हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि कौन से सेक्टर में से कौन कौन से स्टॉक जो आने वाले समय में पोटेंशियल रखते हैं अपसाइड मूवमेंट के लिए। सबसे पहले हमने सेक्टर को चूज किया है टायर सेक्टर। ठीक है, आप सभी को पता है कि टायर की डिमांड पहले भी थी, अभी भी है, आने वाले समय में रहेगी। उसका रीजन है, हर एक व्हीकल में टायर के बिना कुछ होगा नहीं। वो छोटी सी साइकिल हो या फिर प्लेन, टायर की जरूरत आपको होनी ही होनी है। ठीक है, अभी ईवी बिजनेस भी चल रहा है, आप सबको को पता है कि ईवी व्हीकल्स में भी टायर रहने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो उड़ने वाली, अगर उड़ने भी वाली होगी तो उसको लैंडिंग के लिए भी टायर की जरूरत होगी। ठीक है, तो उनमें से कुछ चुनिंदा शेयर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है एमआरएफ शेयर मार्केट लीडर है इस सेक्टर में, पर वो स्टॉक की प्राइस की बात करें तो 1,20,000 के आसपास की है। एक ही स्टॉक लेने में आपकी काफी बड़ी कैपिटल जाएगी। उसके बाद दूसरा लिस्ट में आता है बालकृष्णा इंडस्ट्री। ये दोनों, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़े पीई पे वर्क कर, ठीक है, तो इस दोनों स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। सबसे पहला स्टॉक हमने चुना है अपोलो टायर। अभी आपको स्क्रीन पे पता चल ही रहा है, जिसका पीई सिर्फ 18 का है। ठीक है, और मिड कैप में ये कंपनी आती है। कंपनी की बात करें 451 के आसपास का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड दे रही है, 1% के आसपास की। कंपनी के पास रिजर्व फंड है 12,000 करोड़ के आसपास और डेट है ओनली 5,500 करोड़। तब कंपनी कभी भी चाहे अपनी डेट को खत्म कर सकती है। ज्यादा हम फंडामेंटल डिटेल्स अभी इसमें कवर नहीं करेंगे, सेक्टर वाइज कौन कौन से अच्छे स्टॉक है उसी पे बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें, प्रमोटर एफआई और डीआई काफी बढ़िया होल्डिंग रहे। ठीक है, बैलेंस शीट की बात तो हमने ऑलरेडी कर दी है। इक्विटी की बात करें, ओनली 64 करोड़ की इक्विटी उनके पास है। चार्ट पैटर्न पे चल रहे हैं तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। ठीक है, एज पर वीकली टाइम फ्रेम, अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कंसिडर होता हुआ नजर आ रहा, तो यहाँ पे आपको चीज दिखेगी। स्टॉक ने काफी टाइम 240 से लेकर 280 के बीच में निकाला, जो लेवल था यहाँ पे, और उसके बाद अच्छा खासा एक प्राइस ब्रेकआउट निकाला था और उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। इसे आप एक हायर हाई हायर लो पैटर्न भी मानेंगे। पर नीचे से ट्रेड लाइन अगर हम खींचते हैं, देखिए अच्छा खासा सपोर्टिव रेंज के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक अगर गिरता भी यहाँ से तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है 424 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टॉक आएगा तो बाउंस बैक पॉसिबल है। ठीक है, इन फ्यूचर स्टॉक अगर परफॉर्मेंस यही सीएजीआर से देता है तो स्टॉक आने वाले समय में 600, 650 और 800 तक भी जा सकता है। दूसरे स्टॉक को कवर करेंगे, इसका नाम है सीएट टायर। आप सभी को पता है सीएट टायर ने लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छी तेजी दिखाई है। ठीक है, इसकी स्टॉक की प्राइस चल रही है 2,365 के आसपास, बुक वैल्यू 900 के आसपास है। रिजर्व और डेप्थ नियर है, पर कंपनी चाहे तो उसको कवर कर सकती है। ठीक है, इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें तो इसमें भी वही चीज सामने आएगी, प्रमोटर एफआई और डीआई तीनों की होल्डिंग काफी बढ़िया। ठीक है, पब्लिक के पास है सिर्फ 15 या 16% के आसपास की होल्डिंग। ठीक है, मैं प्रीवियस सब कवर करें अपोलो से, अपोलो में आपको दिखी थी होल्डिंग पब्लिक के पास 21। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है 16% के आसपास। मार्जिन की बात करें, अच्छा खासा नियरेस्ट तभी शेयर 15 से 16 के बीच में कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के नियरेस्ट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे नहीं, ऑल टाइम हाई के नियरेस्ट ट्रेड कर। तो स्टॉक के लिए अपसाइड के मूवमेंट में कौन कौन से लेवल इंपोर्टेंट रहेंगे, तो फिलहाल बॉटम तो बना चुका है, 2,000 से लेकर 2,100 की रेंज में अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है, और वही चीज अपसाइड में रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है अपने ऑल टाइम हाई 2,640 के आसपास। तो स्टॉक अगर 2,640 के ऊपर निकलता है
यहाँ से ये जो राउंड लेवल बन रहा है उतना ही हम टारगेट अपसाइड के लिए देख सकते हैं। तो वो लेवल कितना बनता है यहाँ से यहाँ तक की रेंज देखिए 570 के आसपास। अपसाइड मूवमेंट के लिए अगर यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो मिनिमम कितना जाएगा 578, मतलब कि स्टॉक जाएगा 3200 के आसपास के लेवल। ठीक है, एज पर ऑपरेटिंग मार्जिन हम और सेल्स की बात करें तो स्टॉक आने वाले समय में यही सेल्स के आंकड़े के साथ काम करेगा। तो स्टॉक इन फ्यूचर 3200 से लेके 3400 तक जाने की कोशिश कर सकता है। उसके अलावा एक और स्टॉक है जो ज़्यादा ज़्यादा नामचीन नहीं है, उसके ऊपर बात करें। इसका नाम है गुड ईयर इंडिया। ठीक है, स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1311 के आसपास, डिविडेंड यील्ड दे रहा है 2%। और इसकी एक चीज़ अच्छी बताऊंगा कि फेस वैल्यू 10 की है। बाकी सब स्टॉक की बात करेंगे तो 2-1 की फेस वैल्यू से वर्क कर रहा है, तो इसके पास है 10 की फेस वैल्यू, मतलब ये ज्यादा सस्ता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 2% अभी दिख रही है, 1 साल पहले आप अगर कंपेयर करते हैं तो 10% के आसपास की डिविडेंड यील्ड ये देता था। आरओसी और आरओई दोनों बेस्ट है। रिजर्व की बात करें और उसके सामने डेप्थ की बात करें तो काफी अच्छा डेप्थ रेशियो है। ठीक है, कंपनी एक चुटकी में 7 करोड़ तो अभी पे कर सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 74%। अब यहाँ पे कोई भी टायर सेक्टर का स्टॉक उठा लीजिए, इसमें इतनी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग दिखेगी नहीं। यहाँ पे डीए का इंटरेस्ट भी 8% के आसपास का है, और इसमें कौन होल्डिंग कर रहा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप, ठीक, ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। और गवर्नमेंट द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, आप सभी ने नाम इसका सुना है, उसका भी 1% के आसपास की होल्डिंग। पब्लिक के पास 17% के आसपास अभी बची हुई है। चार्ट पैटर्न पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, दूसरा आ गया, सॉरी, फिर लिया स्टॉक फिलहाल एज पर वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी वीकली नहीं, डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं, तो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग उसके ऑल टाइम हाई के लेवल से आई है। ठीक है, तो फिलहाल वो ट्रेड कर रहा है एक सपोर्टिव रेंज के आसपास। ठीक है, ये जो लेवल बना है पूरा 1250 के आसपास का, ये एक सपोर्टिव रेंज है। ठीक है, अगर स्टॉक इसके नीचे भी अगर फिसलता है तो उसके लिए 1200 की रेंज, ठीक है, 1280 और 1250, ये दोनों अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माने जाएंगे। तो यहाँ से एक बाउंस बैक पॉसिबल है, इसी को वीकली टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोनों चीज पे यही सपोर्टिव रेंज हमें नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ नीचे के लेवल से एक ट्रेड लाइन खींचे, ठीक है, तो नियरेस्ट हायर हाई हायर लो के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि हमने ये सपोर्टिव रेंज निकाली 1200 की, तो स्टॉक यहाँ पे भी ट्रेड लाइन के आसपास आ रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, स्टॉक के ऑल टाइम हाई लेवल को मार कर देते हैं। स्टॉक अगर जिस दिन 1450 के ऊपर टिकेगा तो यहाँ पे भी आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न नजर आएगी। ठीक है, अगर ड्रॉइंग करें देखिए यहाँ से, और ये हुआ कप एंड हैंडल। ठीक है, तो जैसे कि मैं ऑलवेज आपको बताता हूँ, कप का जो बॉटम बनता है उतना ही टारगेट अपसाइड के लिए रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्केल भी यूज कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो ये ड्रॉइंग को निकाल देते हैं, पहले सिर्फ हैंडल देखते हैं। ठीक है, हैंडल के ब्रेकआउट लेवल कितना है, तो वो लेवल निकलता है 277 के आसपास। तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट ऑल टाइम हाई के ऊपर कितने रहेगी, 277 पॉइंट की। ठीक है, जो लेवल करीब निकल के आता है 1700 के आसपास, और वही चीज हम कब के बॉटम को पकड़े, ठीक है, वो लेवल है 583 के। ठीक है, तो यहाँ से 583 के लेवल अगर हम ढूंढे 583, तो वो निकल के आते हैं करीब 2000 के आसपास। तो स्टॉक पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद 200 तक के लेवल दिखाए, एज पर माई पर्सनल व्यू। ठीक है, ये कोई बाइंग और सेलिंग नहीं है, पर मुझे ये तीन स्टॉक में सबसे ज्यादा पोटेंशियल गुड ईयर में नजर आती है, क्योंकि वो डिविडेंड भी आपको देता है जिसे हम एक्सटर्नल इनकम मानेंगे, के
पे रेशियो की कंपेयर करेंगे दूसरे स्टॉक से, वो भी काफी अच्छी है। रिजर्व मतलब कि डेप्थ रेशियो की बात करें वो भी काफी अच्छी है। तो मेरे व्यू से तीन स्टॉक में गुडियर अच्छा माना जाए। अभी मार्केट सुप्रीम है, आने वाले समय में ये तीन स्टॉक में से कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। चलो तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली और वीकली पोस्ट हम कुछ ना कुछ शेयर रिलेटेड करते रहते हैं।